दोस्तों, आजकल लगभग 90% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और उनमें से काफी बच्चे क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ का हर एक दूसरा बच्चा क्रिकेटर ही बनना चाहता है। और दोस्तों, इसके कई कारण भी हैं, जिसमें मुख्य कारण यह है कि क्रिकेट में नाम और पैसा के साथ साथ वो रिस्पेक्ट भी हमें मिलती है, जो कि शायद बहुत ही कम क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है। दोस्तों, हम क्रिकेटर तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से लगभग 99% बच्चे क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि क्रिकेट में 99% बच्चे फेल हो जाते हैं और सिर्फ 1% बच्चे क्रिकेटर बन पाते हैं? आज की वीडियो में आपको बहुत ही अमेजिंग और सीखने लायक बात बताऊंगा, जिससे कि आपको काफी मदद हो सकेगी। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको मोटिवेट करने के लिए आपसे दो लाइनें कहना चाहता हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, कुछ खोकर कुछ पाने का मजा ही कुछ और है। कि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, कुछ खोकर कुछ पाने का मजा ही कुछ और है। कि हार और जीत तो लगी रहती है इस छोटी सी जिंदगी में, लेकिन हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये नहीं बताएंगे कि 99% बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, बल्कि हम आपको ये बताएंगे कि सिर्फ 1% लोग सफल कैसे हो जाते हैं, ताकि आप भी उन 1% लोगों से काफी कुछ सीख सको और अपने आप को उस 1% वाले कैटेगरी में डाल सको। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने फेवरेट टीम पर बेट लगा करके आसानी से पैसे जीत सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है फोराबेट। और दोस्तों, इस समय IPL का सीजन चल रहा है, तो आप फोराबेट में अपने फेवरेट टीम पर बेट लगा करके आसानी से दुगना पैसा जीत सकते हैं। और आपको इसमें सबसे पहले 300 रुपये डिपॉजिट करना होगा और आप जीते हुए पैसे को आसानी से पेटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। और एक बात आपको और बता दें कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फोराबेट एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए फोराबेट ऐप और जमकर पैसे जीतिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आजकल के युवाओं के नस नस में बस चुका है और हर शहर हर गांव में क्रिकेट खेला जाता है। दोस्तों, जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हो तो आप में से बहुत से बच्चे इसे सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे को ये पता नहीं होता कि क्रिकेटर बनने का सही तरीका क्या है, और जब आपको इसका सही तरीका पता चलता है तब तक आपकी एज निकल चुकी होती है। कुछ बच्चे को फैमिली के दबाव में आकर के क्रिकेट छोड़ना पड़ता है, तो कुछ बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक बहाना होता है, करने वालों के लिए एक वजह काफी होता है और ना करने वाले 100 बहाने बना लेते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैं क्रिकेटर तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो मैं उन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो दोस्त, क्रिकेट में मैं मानता हूँ कि पैसे की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे। क्रिकेट में आपको हाथ पैर और दिमाग चलाना होता है, सीखते रहना होता है, लगातार मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आप क्रिकेटर बन जाइएगा, और अगर पैसे नहीं है तो क्रिकेटर नहीं बन पाइएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बहुत से ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकल करके आगे आ रहे हैं जिनके पास भी कभी पैसे नहीं थे, लेकिन उनको अपने काबिलियत और खुद पे भरोसा था। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में SSV जायसवाल की कहानी तो सुनी ही होगी, अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो के बाद सुन लीजिएगा। यार, जब जायसवाल जैसा मजबूर लड़का आज IPL खेल रहा है और हो सकता है कल इंडिया के लिए भी खेलेगा, तो आप क्यों नहीं खेल सकते हो? जायसवाल उन्हीं 1% लोगों में से आता है जो अपने दम पर क्रिकेट में सफल हो पाते हैं। मैं मानता हूं कि क्रिकेट में फैमिली सपोर्ट, बैकग्राउंड सपोर्ट या फिर कुछ भी पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो भी आप क्रिकेटर बन सकते हैं। और अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो ये भूलना पड़ेगा कि आपका समाज आपके बारे में क्या सोचता है, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। भले ही आप लगातार 10 साल से ट्राई कर रहे हो लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो ये कोशिश और करो। यार, सफल होना और ना होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश करना और हार न मानना ये आपके हाथ में है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि 99% लोग क्रिकेट में इसीलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो एक या दो बार से ज़्यादा ट्राई ही नहीं करते, और अगर ट्राई भी करते हैं तो उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता है। दोस्तों, क्रिकेटर बनने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी होती है तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसे तो मैं पहले ही इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ कि आप सब्र के साथ खुद पर भरोसा करके आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप एक क्रिकेटर नहीं बन सकते हो। आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना होगा, कुछ नया करना होगा, जिससे आप कोच और सेलेक्टर्स की नज़रों में बने रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिकेट एक सीढ़ी की तरह होती है,
सबसे पहले एकेडमी ज्वाइन करके आप पहली सीढ़ी को पार करते हैं। इसी तरह आप धीरे धीरे करके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और बहुत सारे सीढ़ियों से गुजर करके आपको सबसे ऊपर की सीढ़ी पर इंटरनेशनल खेलने को मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कई साल आपको लग जाते हैं और जितना समय आप क्रिकेट को देते हो उतना ही आप इसको समझ पाते हो। दोस्तों अगर आपको उन 99% लोगों में नहीं बल्कि उन 1% लोगों में रहना है तो आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो मेरा गारंटी मानिए कि आप क्रिकेट में सफल हो जाएंगे। पहला है बिलीव इन योरसेल्फ। बात करें अगर बिलीव इन योरसेल्फ की तो आप सबसे पहले अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मैं क्रिकेटर बन पाऊंगा या नहीं, अगर नहीं बना तो क्या होगा, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या फिर अगर क्रिकेटर नहीं बन पाया तो फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं और यही सब डाउट के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यार एक बात सोचो कि अगर आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो कुछ सोच समझ के ही स्टार्ट करते होगे, तो फिर बीच में ये डाउट कैसा। अगर एक बार ठान लिया तो उसके लिए सालों साल मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी और खुद पे भरोसा करना सीख लो क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। दूसरा है कंसिस्टेंसी। बहुत से बच्चे शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर के करते हैं और शुरुआती दौर में खूब मेहनत भी करते हैं लेकिन वो साल दो साल के बाद नॉर्मल हो जाते हैं और कई बच्चे तो एक या दो साल में ही क्रिकेट छोड़ देते हैं। दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जिस एक्साइटमेंट के साथ आपने शुरू किया है उसी एक्साइटमेंट के साथ आपको हमेशा बने रहना होगा। ये नहीं कि अगर एक दो साल में कुछ नहीं हुआ तो चलो छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ट्राई करते रहना है। और हाँ, जब तक आप क्रिकेट में कंसिस्टेंट होकर यानी कि आप लगातार मेहनत नहीं करोगे तब तक आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तो अगर आपको 1% लोगों में रहना है तो आपको सालों मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेटर बनना एक या दो साल का खेल नहीं होता है, इसके लिए कम से कम 5 साल, 8 साल, 10 साल तक भी मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों तीसरा है डू समथिंग डिफरेंट। बहुत से बच्चे अपने से सीनियर खिलाड़ी या फिर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को हमेशा कॉपी करते हैं लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है, यहाँ तक कि उनका नेचुरल गेम भी खराब हो जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अपने सीनियर खिलाड़ी या फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी को देखना गलत है, आप हमेशा अपने से सीनियर खिलाड़ी को देखिए, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देख करके सीखिए, लेकिन हाँ उनको कॉपी मत कीजिए, आप अपना नेचुरल गेम खेलिए और कुछ अलग करके दिखाइए क्योंकि जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे तब तक आप एक भीड़ का हिस्सा बने रहोगे और आपको तो पता ही है कि भीड़ की कोई पहचान नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपको एक सितारा बनके चमकना है तो सबसे पहले धूप में तपना सीखिए क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग आते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही लोग कुछ करके जाते हैं, तो जीवन यूं ही बेकार मत कीजिए, कुछ कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अपना